हाय गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के बज गए हैं 10 और मैं उठा हूँ सो के। अभी मैंने करी है घर की क्लीनिंग और सारे अपने काम, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया खाया और उसके बाद मैं अपना व्लॉग कर रहा हूँ अब कंटिन्यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए यार। मैं भी यहाँ बहुत अच्छा हूँ। ठंड काफ़ी पड़ रही है और टेम्परेचर 7-8 डिग्री जा रहा है। कल रात को कल 2 डिग्री तक गया टेम्परेचर, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो उसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। हाँ तो गाइस कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात करनी नहीं है, छोटा सा व्लॉग बनाना था। कई दो तीन भाई अपने यहाँ पर जापान आ चुके हैं, तो मैंने कहा उनको एक छोटी सी बात ज़रूर बता दूँ। तो भाई बात ये बतानी थी कि यार आपको यहाँ पर आपको काफ़ी ज्ञानी लोग मिल जाएंगे, जैसे ज्ञानी लोग हमारे देश में भी काफ़ी मिल जाते हैं, जो आपको ज्ञान बांटते हैं जगह जगह, छोटी छोटी बातों पर ज्ञान देते हैं कि यार ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। वो सबकी लाइफ में कोई ना कोई ज्ञानी बाबा होगा, वो सब आप जानते होगे अगर मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर यार ऐसे लोग हैं कि आपको छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे आपने आकर यहाँ पर मेडिकल अपना मेडिकल कार्ड बनवाना है, या अपना अकाउंट खुलवाना है, या आपने माई नंबर होता है माई नंबर लेना है, वो सब आपको पता चल गया होगा या पता चल जाएगा, या आपने इमिग्रेशन जाना है किसी काम से। तो लोग क्या करते हैं, आपको जब तक नहीं पता होता ना, लोग यहाँ पर बहुत सारे कुछ परसेंट लोगों की, ठीक है, अच्छे लोग भी बहुत हैं और बुरे लोग भी हर जगह होते हैं, तो मैं खाली बुरे लोगों की बात कर रहा हूँ इस व्लॉग में। जो कुछ परसेंट लोग हैं ना, वो इस मौके में रहते हैं कि जब तक सामने वाले को पता चले ना कि यार सब चीज़ें कहाँ से होती है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन होती है, कैसे आपको जॉब मिलती है, कहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जो लोग जो जो जापान के अंदर रह रहे हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपसे वो छोटी छोटी बातों के लिए डिमांड करते हैं पैसों की। यार अच्छा ठीक है, आप मुझे इतने पैसे दे देना, मैं आपके लिए डॉक्यूमेंट बनवा देता हूँ या वो डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ, ठीक है, या मैं एक दिन की छुट्टी करूँगा तो यार आपके साथ चलता हूँ, आप मेरे को एक दिन की जितनी भी जितने पैसे बनते हैं मेरी सैलरी के, उससे ऊपर ही बताते हैं वो लोग, क्योंकि ऐसा स्टार्टिंग में मेरे साथ हो चुका है, ठीक है। तो भाई किसी को पैसे मत देना यार, किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी काम के लिए। गूगल सर्च मारना यार, फटाफट सब चीज़ें आ जाती हैं। अगर जापान में हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको सारी डिटेल निकाल के बता दूंगा, एड्रेस कैसे, कौन सी लाइन जाएगी, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कि कहाँ चेंज करनी है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। तो किसी को पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है यार। यहाँ पर क्या होता है कि लोग, आप अपार्ट के लिए भी जाओगे ना कि यार मुझे अपार्टमेंट चाहिए, तो उसके अंदर भी लोग को कमीशन खाने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है ना, कुछ यार लोग होते हैं जो कहीं भी नहीं सुधर सकते, चाहे वो कहीं भी है ना, उनको फालतू का काम करना है और अपने देश को बदनाम करना है, उनका कुछ यही होता है, हर सब कुछ उनके लिए पैसा है। तो भाई मैं ऐसे लोगों के चक्कर में मत आना, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना सीधा गूगल सर्च मारोगे, सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको पता चल जाएगा, कैसे बनाना है, कैसे बनेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मेरा घर अभी भी थोड़ा सा फैला हुआ है, तो बस ये छोटी सी बात बतानी थी यार। तो आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा यहाँ पर आके माई नंबर, और आपका जो हॉकिन होता है, हॉकिन कार्ड बनेगा आपका, ठीक है, माई नंबर बनेगा, रेजिडेंस कार्ड तो आपको एयरपोर्ट पर मिल गया होगा। तो ये सब कार्डों के लिए यार कोई ज़रूरत नहीं है, आपका गवर्नमेंट ऑफिस होगा नियर बाय होता है, आप गूगल सर्च मारोगे तो आपको जी यहाँ पर CXO कहते हैं उसको, गवर्नमेंट ऑफिस को, CXO सर्च मारोगे नियर बाय आपको सारी डायरेक्शन मिल जाएगी। वहाँ जाओगे यार, वहाँ इंग्लिश बोलने वाले लोग भी कुछ परसेंट मिल जाते हैं जो आपको हर चीज़ बताएंगे। और यार बस यही बात बतानी थी कि यार किसी के चक्कर में बताना पैसे वैसे देने के, पैसे वैसे देने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है। लोग खामे खा के लोग आपको बहुत मिलेंगे जो आपसे पैसे डिमांड करने की कोशिश करेंगे, मैं आपका काम करवाता हूँ मुझे इतने पैसे दे देना, करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत की कमाई है संभाल के रखो यार, और सर्च मारो सब कुछ होता है यार, कुछ भी है मुझे मैसेज कर दो इंस्टाग्राम पर, मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा। और यार कुछ बातों से ना दिल बड़ा हर्ट हो गया, मैं कई एक दो हफ्ते से इसलिए वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, फीवर है काफ़ी दिन से मुझे, तो मैं फीवर में ही ड्यूटी जा रहा हूँ, रेस्ट का टाइम है नहीं यार। काफ़ी लोग यार गालियाँ देख लिख रहे हैं कि यार तू उसकी कॉपी कर रहा है, उसकी कॉपी कर रहा है। देखो यार मेरे को जो भी कहो मुझे फ़र्क पड़ता नहीं है, और मैं नेगेटिव तो देखता ही नहीं हूँ यार, मेरी लाइफ में नेगेटिव जो है ना मैं उसकी तरफ देखता ही नहीं हूँ, जो भी है मैं पॉजिटिव देखता हूँ। जो लोग लिखते हैं ख़ास तौर पर, कुछ लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं जिनसे बड़ा प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा, बहुत प्यार, अपने परिवार जैसा फील होता है यार। एक है मलिक, मलिक साहब का नाम ले दिया, मलिक साहब आप हमेशा मैसेज करते हो कि भाई याद नहीं करते, मैं आपको हमेशा याद करता हूँ। और एक भाई का मैसेज और आया था, मैं उनका नाम बताता हूँ, तो वो भाई का नाम है रियान सिंघानिया। रियान सिंघानिया का बड़ा क्यूट सा, बहुत अच्छा सा मैसेज आया था, भाई आप वीडियो डालते रहा करो, आपसे फैमिली जैसा फील होता। तो वो मैसेज सुन के ना मुझे यार बहुत दिल से फील हुआ कि यार थैंक यू बोलना चाहिए इन लोगों को, और मैं सबको जिनके नाम मुझे शायद नहीं पता है भाई, उन सबको बहुत बहुत थैंक यू यार कि आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो इन चीज़ों को यार, कोशिश करता हूँ मैं। और दूसरा यार माँ बाप को गाली देने की क्या ज़रूरत है यार, देखो मेरे लिए आपके माँ बाप मेरे माँ बाप जैसे हैं, आप कोई भी जिसने मुझे गाली दी उसके माँ बाप भी मेरे लिए पूजनीय है यार। तुम्हारे माँ बाप और मेरे माँ बाप में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि माँ बाप यार भगवान के बराबर है, हर किसी का माँ बाप जो भी है ना। तो मेरे माँ बाप को बीच में लाने के, और मेरे तो यार मेरे तो फादर भी नहीं है जो मेरे बाप बाप को गाली बकरा है,
मेरे बाप के लिए बोल रहा है, तो मेरे तो पापा भी भगवान के पास बैठे हैं, वो भी अच्छी जगह पर। तो यार किसी के भी माँ बाप को गाली मत बको यार। और रही बात, एक भाई का मैसेज आया था, भाई आप यूट्यूब मनी के लिए इतना ये सब काम कर रहे हो, भाई मुझे ज़रूरत नहीं है यूट्यूब मनी की, बहुत अच्छी सैलरी कमा रहा हूँ मैं यहाँ पर रह के, बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छे से रहता हूँ, अच्छे से खाता हूँ, 2 पैसे घर भेज देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं यूट्यूब मनी की यार, यूट्यूब मनी से कुछ आएगा भी ना तो उसने उसको मैंने खाना खिला देना है मंदिर में, जो गरीब लोग बाहर बैठे हुए हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है भाई। और ये मैं वो नहीं कह रहा क्योंकि मुझे ज़रूरत है ही नहीं ना, मैं बहुत अमीर आदमी, बट मैं छोटा सा आदमी हूँ, छोटी सी सोच रखता हूँ, उसमें बहुत खुश हूँ यार। गाली माँ बाप के लिए, किसी भी माँ बाप के लिए गाली मत बको भाई। तुम्हें ज़्यादा बुरा लगता है सब्सक्राइब मत करो यार, अनसब्सक्राइब करो, घर जाओ अपने, जो अच्छा लगता है वो देखो भाई, वो वीडियो देखो जो यूट्यूब पे झूठ झूठ बोल रहे हैं ना, उनकी वीडियो देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। पर भाई मैं तो सच के साथ हूँ हमेशा, कोई है नहीं है, मैं तो सच के साथ हूँ। और प्लीज़ यार किसी के भी माँ बाप को गालियाँ मत बको यार, थैंक यू सो मच भाई, जो अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको हमेशा सलाम है। और मैं हर एक बंदे से पर्सनली इंस्टाग्राम पे 1-1 घंटा बात करता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी टाइम मिलता है ना पर्सनली, वो कॉल मैसेज नहीं करते, मैं मैसेज करता हूँ, भाई कहाँ पर है यार, आजकल मैसेज नहीं कर रहा, ठीक है। तो मुझे पर्सनली प्यार है अपने जितने भी भाई हैं, अपना परिवार है ये, ठीक है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार, मुझे पैसा नहीं कमाना भाई, ठीक है, पैसा भी आएगा और सब कुछ होगा, ठीक है, बट मेरे हाथ है ना, इन हाथों से मैं बहुत अच्छा कमा लेता हूँ, जब तक ये हाथ हैं मेहनत करूँगा, ज़िंदगी भर कमाऊँगा, खाऊँगा, पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है यार, लाइफ में खुशियाँ बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है यार। आपको एक 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 राइट मिला हुआ है यार, ठीक है, राइट टू स्पीक, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को भी गालियाँ लिख रहे हो, किसी को भी कुछ लिख रहे हो। अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा लिखो, कम से कम अच्छे लिखोगे तो अच्छी चीज़ें सीखेंगे आगे बच्चे, आपके माँ बाप कहीं पढ़ेंगे तो उनको भी खुशी होगी कि यार हमारे बच्चे ने अच्छी चीज़ लिखी है। तुम्हारे माँ बाप पढ़ेंगे, तुम्हारे माँ बाप मेरी वीडियो देख रहे हो, वो देखेगी तुम लिख रहे हो कि तेरा बाप है वो, ये है वो, तो मेरा बाप तो भगवान के पास बैठा हुआ है भाई। अगर मैं इंडिया में होता ना, पर्सनली मिलना है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एड्रेस दे दो भाई, जो तुम्हारी तकलीफ़ है मैं आके वहाँ बात कर लूँगा तुमसे, ऐसी कोई भी बात नहीं है, इंडिया में जहाँ बोलोगे वहाँ पर तुम्हारी तकलीफ़ है, मैं पूछूंगा तुमसे पर्सनली आके, भाई क्या हो गया, क्यों गाली दे रहे हो यार। तो किसी के माँ बाप को गाली मत बको यार, बहुत हर्ट होता है भाई, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए तो यार एग्जिट कर दो भाई, अनसब्सक्राइब करो, कोई बात नहीं, उसमें कौन सा तुमने पैसे पे करे हैं कि तुमने लाखों रुपए पे कर दिए यार किसी को सब्सक्राइब करके, सामने इतने यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, अच्छी लगती है देखो, मैं भी हज़ार मेरे पास मैंने हज़ारों को सब्सक्राइब करा हुआ है, मैं देखता हूँ उनकी वीडियो, मुझे अच्छी लगती है तो देखता हूँ, नहीं अच्छी लगती तो छोड़ देता हूँ। तो ऐसे ही करो यार, गाली गलौज करके किसी के माँ बाप को क्या, सबके माँ बाप बड़े पूजनीय है यार, भगवान से पहले माँ बाप है भाई, भगवान तो बाद की बात है, जिसको देखा नहीं मैंने उसको मैं मानता इतना बाद में ही हूँ, देख मैं ये रोज़ पूजा करता हूँ, फिर साइड में ना मेरे माँ बाप की फ़ोटो है, ये मेरे पापा हैं, तो सबसे पहले मैं इनकी पूजा करता हूँ, उसके बाद मैं भगवान के पास जाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को पहले देखा, भगवान को नहीं देखा, ठीक है यार। तो मैं कोई गुस्से में नहीं बोल रहा ये सब बातें, सब बातें कोई मैं गुस्से में तो बोल नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा कि मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, बस बहुत हर्ट हुआ है इसलिए ना मैं वीडियो भी नहीं डाल रहा था यार, ठीक है, कोशिश करता हूँ तुम्हारी मदद करने की यार, अगर हो जाएगी तो ठीक है, किसी भी एक की हो गई तो मेरे लिए बहुत है यार, और जिस दिन मन करेगा उस दिन बंद कर दूंगा यार, इससे कोई मेरा घर नहीं चल रहा यूट्यूब से, ठीक है, और ना मैंने 1 रुपया अभी तक यूट्यूब से कमाया, और ना भी कमाऊँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मैंने पैसे के लिए यूट्यूब स्टार्ट नहीं करा है, ठीक है यार। तो माँ बाप की इज्जत करो, इनकी जगह और माँ बाप की जगह एक ही है, ये बात ध्यान रखना, मंदिर के आगे माथा टेकने से ना कभी भगवान नहीं मिलते, अपने माँ बाप के आगे माथा टेको, भगवान अपने आप तुम्हारे पास आएंगे। चलो ठीक है यार, ज़्यादा ज्ञान बांटूंगा नहीं, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना यार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।